हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन. नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस एंड चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड. नाउ लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देन इन दिस चैप्टर आई टीच यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कि अभी तक हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था कि प्लांट थे, एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, लेकिन हमने इसकी टैक्सोनॉमी पढ़ी थी. तो उस टैक्सोनॉमी कहाँ से आई, किस तरह से ये सभी डिवाइड हुए, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगजाई, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया एंड वायरस, वायरोइड्स एंड लाइचेंस, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स एनिमल्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस, माइक्रोब सब कुछ आ गया. ठीक है, तो सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट जो था ना, वह किसने दिया था, ये देखिए. यहाँ पे मैंने 2 साइंटिस्ट की जो है डिफरेंट थ्योरी है, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है. वो एरिस्टोटल नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 2 बेस पर. एक प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को कैसे, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे कि जो ग्रीन ग्रीन है वो प्लांट है, और जो चार पैरों से चलते हैं या इस तरह के कुछ भी है, जो आवाज़ करते हुए, सब एनिमल्स है. जो मूवमेंट करते हैं वो एनिमल्स है. इस तरह के उनके बाहर के फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एक्टर्स, ये कैरेक्टर्स देख करके उन्होंने डिवाइड कर दिया था किस तरह से प्लांट्स क्लासीफाई इंटू प्लांट्स इंटू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. एक तो उन्होंने क्लासीफाई किया कि कुछ प्लांट होती है वो ग्रीन ग्रीन, उसमें भी प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बड़े लार्ज है वो ट्री, जो छोटे छोटे कैसे होते हैं प्रिकल वाले कांटों वाले वो सभी श्रब्स, और जो हर्ब्स जो अपने लिए मेडिसिनल यूज है वो हर्ब्स. इस तरह से प्लांट को डिवाइड किया. फिर उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया किसमें, विच हैज़ रेड ब्लड एंड दोज हैज़ डिड नॉट. एनिमल्स को 2 ग्रुप में, कि जिनका एक तो रेड ब्लड होता है वो वाले एनिमल्स अलग, और जिनका रेड ब्लड नहीं होता है या होता ही नहीं है वो वाले अलग. ठीक है, तो इस तरह से एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज में, श्रब्स हर्ब्स में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को ब्लड ग्रुप के अंदर. लेकिन यह पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि इससे कम्प्लीट क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी टैक्सा वेरीफाई नहीं हुआ था. उसके बाद में आए थे साइंटिस्ट, जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, लीनियस. लीनियस ने उन्हें 2 किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया था, कौन सा, प्लेंटी एंड एनिमेलिया. जो ग्रीन है वो सभी प्लांट्स, और जो अदर से उसके सिवाय जो मूवमेंट करते हैं वो सभी एनिमेलिया. लेकिन केयर सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो कौन आते थे इसमें, फोटोसिंथेसिस वाली ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक मींस प्रोकैरी, जिसकी ओनली सेल जो थी ना, सेल तो थी लेकिन डेवलप नहीं थी, न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, उसके साइड में न्यूक्लियर एनवलप नहीं था, और यूकैरियोटिक जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस वाला सेल सिस्टम था. तो इस तरह से इसके बारे में इन्होंने पूरा क्लियर एक्सेप्टेशन, इसका एक्सेप्टेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्म नहीं किया था कि ऑर्गेनिज्म सभी किसी टाइप के थे. तो आगे फिर से क्लासिफिकेशन चला. ठीक है, इस क्लासिफिकेशंस के अंदर फिर जो था नेक्स्ट, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो आज एक्सेप्टेड है, जो वेल डेवलप क्लासिफिकेशन था, वो साइंटिस्ट ने दिया था R.H. व्हिटकर ने. ठीक है, सबसे पहले किसने दिया, एरिस्टोटल ने, उसके बाद लीनियस ने, लेकिन वो दोनों एक्सेप्टेबल नहीं थे. वो एक कॉन्सेप्ट था, क्लियर कॉन्सेप्ट था, बट एक्सेप्टेबल नहीं था. फिर R.H. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो एक्सेप्टेड है और वेल डेवलप क्लासिफिकेशन था. ठीक है, 5 किंगडम उन्होंने क्लासिफाइड किए थे, कौन कौन से, ये मैंने ब्लू कलर के हाईलाइट से जो हाईलाइट किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो किस तरह से इसका एक इंडेक्स में भी मैंने यहाँ पे आपकी बुक में दिया है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस बेस पर किया था. ये देखिए, ये मोनेरा को यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर कौन से लिए थे, ये इन्होंने इस टाइप के कैरेक्टर लिए थे कि उनकी सेल किस टाइप की है, जो एनिमल से उनकी सेल वॉल किस टाइप की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है,
ये कितने 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। इसमें सबसे फर्स्ट कौन सा था? मोनेरा। ये देखिए ये फाइव कैरेक्टर्स है यहाँ पर जिससे उन्होंने क्लासीफाई किया था, ठीक है। और उसमें सबसे फर्स्ट वाला कौन सा आता है? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। इसके अंदर कौन कौन से? यहाँ पर अगर प्रोटिस्टा की अगर यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर सेल टाइप लेते तो मोनेरा कैसा आएगा? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। वो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सेल में न्यूक्लियस का डेवलपमेंट वेल डेवलप नहीं है वो सभी मोनेरा के अंदर आएंगे। और उनकी सेल वॉल कैसी होगी? पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड वाली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट है इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। और इनका सेलुलर सिस्टम क्या है? ओनली सेलुलर है, सिर्फ सेल से बने हुए और कोई टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक से, यानी कुछ ग्रीन होते तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते, और कुछ हेटरोट्रॉफिक से, कुछ सेप्रोफाइटिक है, कुछ पैरासिटिक है, कुछ दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक मतलब जो दोनों के साथ में अपना लाइफ सर्वाइव करते एक दूसरे के प्रॉफिट से। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है, सेप्रोफाइट्स भी है और पैरासिटिक्स भी है, ठीक है। इसमें एकदम फर्स्ट ग्रेड के जो सबसे लोअर जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप दिया गया मोनेरा। फिर नेक्स्ट था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर देखिए इसका फाइव कैरेक्टर क्या लिया था? सबसे पहले सेल कौन सी है, इसकी सेल किस टाइप की है? तो इसकी सेल से यूकैरियोटिक, जिसके अंदर सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप है। और जो वो कौन सा था इसका सेकंड वाला, कि इसका सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इन सम, कि कुछ में सेल पूरी प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और इसका ये कैसा है? इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, यानी ये सबके सब भी यूनि सेलुलर है। प्रोटिस्टा ग्रुप में जो भी आते हैं एनिमल्स वो भी लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट से, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ओनली जो यूनि सेलुलर है जिनका प्रोसेस वन सेल से स्टार्ट है, लेकिन मोनेरा से बेटर डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियस वेल डेवलप है, वेल डेवलप वन सेल है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों टाइप के, ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब नंबर थर्ड था फंजाई। फंजाई को उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स बेस पे, कि ये सबके सब कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक्स यानी इनका वेल डेवलप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है और विदाउट सेलुलोज के इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसमें न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है और ये मल्टी सेलुलर। अभी तक जो थे ना मोनेरा और प्रोटिस्टा वे सबके सब यूनि सेलुलर थे, ओनली सिंगल सेल। अब ये मल्टी सेलुलर है, इनमें मोर देन वन सेल है ले, और लूज टिश्यूज, थोड़े बहुत सेल मिल गए तो क्या बन गया? टिश्यूज। लेकिन कैसे टिश्यूज? लूज टिश्यूज। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनमें से एक भी ऑटोट्रॉप्स नहीं है, अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते, सबके सब हेटरोट्रॉफ है। और उसमें से मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स या सेप्रोफाइट्स है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हेटरोट्रॉप्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, ग्रीन नहीं होते, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड वाला है आपके, थर्ड हो गया। फोर्थ है प्लेंटी, ठीक है। प्लेंटी के अंदर कौन सा था सबसे फर्स्ट, कि इसके सेल कैसी होती है? सब में यूकैरियोटिक सेल, इनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट, इनका ऑर्गेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन तक है। और इसके आगे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सबके सब ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है फोर्थ नंबर का? प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम, ठीक है। सबके सब यूकैरियोटिक वेल डेवलप सेल वाले विथ न्यूक्लियर एनवलप वाले, और सबकी सेल वॉल कौन सी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए सेलुलोज की सेल वॉल। और न्यूक्लियर एनवलप क्योंकि वेल डेवलप सेल है तो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होगा। अब ये जो पीछे वाले ग्रुप थे अभी तक कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इन सबसे ज़्यादा डेवलप है। उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक था? सेल तक या टिश्यूज तक, लेकिन इनमें ऑर्गन्स भी है।
ये प्लांट है तो प्लांट के ऑर्गन्स क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सब के सब इनमें मोस्ट ऑफ में प्रेजेंट होंगे और सबके सब ग्रीन प्लांट से इसीलिए ऑटोट्रॉफ से अपना फूड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से सेल्फ बनाते हैं, अंडरस्टैंड। अब लास्ट ग्रुप रहा है कौन सा, एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर कितने कौन आएगा, जितने भी एनिमल्स है वो सब है एनिमेलिया। यूकैरियोटिक सेल मतलब डेवलप सेल, और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो सेल वॉल होती है वो ओनली सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, वन सेल की ही बनी होती है, इसलिए सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके। और इसके अंदर कौन सा, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो प्रेजेंट, और इसके अंदर वेल डेवलप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वेल डेवलप कंसिस्ट बॉडी, और सबके सब हेटरोट्रोफिक्स होते हैं, एक भी ऑटोट्रॉफ नहीं है। हेटरोट्रॉफ में भी कैसे, होलोजॉइक और सेप्रोफिटिक, हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, अंडरस्टैंड। तो इस बेस पर जो आर एच विटकर थे उन्होंने वेल डेवलप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसकी हम आगे नेक्स्ट डिटेल स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप इंडेक्स के साथ में इसको लर्न कर लीजिए कि यह कितना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस में कौन से कैरेक्टर के बेस में किस तरह से डिवाइड किया था, जैसा मैंने आपको इंडेक्स से एक्सप्लेन किया है उसे आप थेरेटिकल लैंग्वेज में भी लिखिए, ओके स्टूडेंट्स।